गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई एम रबिका फ्रॉम SIMT नकोदर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अकाउंटिंग फॉर फोर फीचर ऑफ शेयर्स. फोर फीचर का शेयर्स का मतलब क्या होता है? फोर फीचर का मतलब जर्नली जो है वो ये होता है कि जब हम अपने दिए हुए शेयर्स को वापस ले लेते हैं किन लोगों से जो कि उसे पे करने में कैपेबल नहीं है. तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स जो हैं वो होते क्या हैं जनरली? फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है कि जो हमने शेयर्स पर्सन्स को अलॉट किए थे, ठीक है, तो वो हम उनसे वापस लेते हैं या उनके शेयर्स को हम कैंसिल कर देते हैं. अब ये जो कैंसिलेशन है ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो पर्सन है वो फेल हो जाते हैं एक या एक से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट देने में. तो हम उनकी अमाउंट जो कि हमने उन पे रिसीव की है, ठीक है, उसे हम जो है ले लेते हैं और उनके शेयर्स को हम क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं कंपनी के द्वारा. और कंपनी इन शेयर्स को किसी और नए पर्सन्स को जो है अलॉट करती है ताकि वो पर्सन्स जो हैं इन शेयर्स को खरीद के कंपनी को, कंपनी की इफेक्टिव रनिंग में जो है वो हेल्प करें. अब ये बोलते हैं ये जो शेयर्स हैं ये फोर फीट होते हैं कि जिसका मतलब है ना, जिसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर के शेयर जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं. इसमें सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो एसोसिएट करती हैं फोरफिटेड स्टॉक्स के साथ, और ये जो एसोसिएटेड होता है प्रीमियम के साथ. और ये हमने ऑलरेडी मेंशन किया है अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में कि हमने कैसे इन्हें कन्वर्स करना है. अब शेयर कैपिटल अकाउंट जो है ये डेबिट किया जाता है किस अमाउंट के साथ जो कि हमने अभी तक बुलाई हुई है या हमने कॉल करके मंगाई है. जर्नल एंट्री फॉर फोरफिटर ऑफ शेयर इशू ए पार्ट बार. अब इसमें देखिए डेट है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है, क्रेडिट है. शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट जो कि हमने उनसे मंगवाई थी. शेयर कैप टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल जो कि हमने उनसे मंगवाई हैं, ठीक है, ये पार की थी. अब फोर प्रीमियम पे, फोरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम. ये जो है सिचुएशन, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं. सबसे पहले क्या है, इसमें जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट जो है वो अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है, और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है ये अभी तक रिसीव नहीं हुआ है. एक तो इसमें देखिए प्रीमियम अमाउंट है जो कि हमने रिसीव कर ली है, और दूसरा केस क्या है जिसमें हमने अभी तक अमाउंट रिसीव नहीं की है, ठीक है. अब उस केस में जहाँ पे हमने अमाउंट रिसीव कर ली है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है. नेक्स्ट, अब जब हम जहाँ पे हमने अमाउंट रिसीव नहीं की है वहाँ पे एंट्री देखो क्या आएगी. शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है, कहाँ पे? टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फोरफिटेड टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है. अब हम बात करते हैं रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स. अब रीइशू जो है वो फोरफिटेड शेयर्स का क्या है? इसमें जो है हमारे पास क्या है, कंडीशन है जिसे हमने रीइशू करना है किस पे? पार पे. रीइशू हमने कहाँ पे करना है? प्रीमियम पे. रीइशू कहाँ पे करना है? डिस्काउंट पे. और ये जो है हमने इसे जर्नली करना है इशू पार पे या फिर प्रीमियम पे. अब जी हम इससे पार पे कर रहे हैं, ठीक है. अब जर्नल एंट्री उस केस में क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है. और इसमें एक्चुअल अमाउंट जो हमने रिसीव की है या जो हमने कॉल्ड अप अमाउंट मंगवाई है वो आ जाएगी. जब हम इसे रीइशू करेंगे प्रीमियम पे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये हमारी जर्नल एंट्री होगी. और इसमें हम अमाउंट कितने से करेंगे? जो कि अमाउंट हमने रिसीव किया है वो हम क्रेडिट कर देंगे पेड अप में, और इसमें जो है अमाउंट ऑफ प्रीमियम हमें देने को मिलेगा. नेक्स्ट जो है जब हमने रीइशू करने हैं, ठीक है, और वो जो है डिस्काउंट पे होंगे, ठीक है, तो इसमें बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसमें अमाउंट जितनी हमने रिसीव की है या डिस्काउंट जो हमने रीइशू ऑफ अमाउंट पे या क्रेडिट पे किया है, ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू क्लास. कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं.